जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस विभाग और राजस्व विभाग ने सेगांव में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व प्रभारी तहसीलदार वंदना चौहान और उन थाना प्रभारी गीता सोलंकी द्वारा किया। इस मार्च में चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया, ASI ठाकुर, प्रधान आरक्षक और आरक्षक पटवारी मौजूद थे। फ्लैग मार्च गोलवाड़ी रोड तिराहे से प्रारंभ कर जूनी कचहरी चांदनी चौक होते हुए मैन रोड पहुंचा। मार्च का समापन लोनारा रोड तिराहे पर किया गया। यहां शांति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जगदीश यादव, पत्रकार संजय जायसवाल, सचिन गुप्ता, अजय पालीवाल, सुरेश यादव व निजाम अली, गुलजार खान, अबिद अली, नयाज अली, फिरोज खान मौजूद थे। इस मौके पर तहसीलदार श्रीमती चौहान व उन थाना प्रभारी श्रीमती सोलंकी व चौकी प्रभारी श्री अवासिया ने सभी आने वाले त्योहारों भाईचारे के आपसी प्रेम सद्भावना से मनाने पर बल दिया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। एक मार्च क्यों निकाला गया? सेगांव में आज राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके दृष्टिकोण से फ्लैग मार्च निकाला। क्या नाम लिखता है? वंदना चौहान, प्रभारी तहसीलदार सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।